हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो यस, एग्जाम्स की डेट्स काफी नजदीक आ चुकी हैं, तो ऐसे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे पास से नोट्स ले सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, विच इज जस्ट ₹100 फॉर ईच पेपर। एंड असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, एंड देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है बीकॉम टेलीग्राम चैनल का, आप उसके ऊपर क्लिक करें। आपको जो भी बेनिफिट्स दी जाएंगी आपको वहां पे सारी चीजें मिलने वाली हैं। एंड नोट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ₹100 पर पेपर पे अवेलेबल है। पहले नोट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, अभी काफी हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द आवर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है ना? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन फाइनेंशियल होते हैं उसके महत्व को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस। ठीक है ना? तो ऐसा नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला पॉइंट है ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस। कोई ऐसा एडवाइस जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, भले ही वो पैसे में आपको नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे रहा बंदा, लेकिन आपको वो बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा है जिसके जरिए आप लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं या कमा सकते हैं। तो ये एक तरह का नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, है ना? जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज में एनालिस्ट रखे जाते हैं जो एनालाइज करते हैं, रिसर्चर्स रखे जाते हैं ताकि आपके बिजनेस को वो लोग अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकें क्या सही है क्या गलत है। तो ये लोग कोई फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फाइनेंशियल पैसे नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाओ। ये क्या कर रहे हैं? आपको वैल्यूएबल एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको इनसाइट दे रहे हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला है, मैं थोड़ा आप इसको पढ़ लेता हूँ। सो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द फॉर्म ऑफ वेंडर्स सप्लायर्स और मेंटर्स। मेंटर्स के बारे में बोला गया है, है ना? यहाँ पे वेंडर्स और सप्लायर्स भी होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कहाँ को जा रही है, कहाँ पे किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो उनके पास भी काफी नॉलेज होता है, वो भी आपको जो है एडवाइस दे सकते हैं, है ना? Mentors help in expanding the knowledge of the entrepreneur by sharing their viewpoints and prior experience. वो क्या करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स और प्रायर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सके। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंटरप्रेन्योर इज थिंकिंग ऑफ एक्सपोर्टिंग सम प्रोडक्ट्स, ही और शी मे गेट सम वैल्यूएबल एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। है ना? सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको तो आपके पास उस एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस केस में आप क्या चाहोगे कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपको आकर के इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकें, राइट? तो ये होना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा है ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना? जब कोई बंदा आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता है तो आपका भी जो दिमाग है, जो सोचने का नजरिया है, वो बदलता है, है ना? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरीके से सोचेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आपको सिक्के के दोनों पहलू के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, राइट? तो ये चीज जो है यहाँ पे हेल्प की जाती है, ये दूसरा पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। ऑफर वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव, द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एंटरप्रेन्योर्स entrepreneurs look at the problems and situations from perspectives they would have a thought of their own, है ना? तो ऐसे financial situation जिसके basis पे आपको पता नहीं उस time पे क्या करना है, तो वहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं जो आपका perspective है वो बदलने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि actual problem है कहाँ पे और आपको किस तरह के जो है steps आपको लेने चाहिए उस problem को tackle करने के लिए। ठीक है ना? So for example, a new business owner may not look at the opportunities or threats. Present in the environment, but experts, mentors, and other people dealing in the same business line may help her scan the environment. है ना? ये बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि जो आपका प्रेजेंट कंडीशन, आपने अगर कोई बिजनेस नया स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस के बारे में हर एक चीज पता होगी, है ना? तो आपको नहीं पता है तो आप बहुत सारी चीजों में फंसोगे, आप चीजों को नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओ, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप उसको ले पाओ। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से होता है, वो हेल्प करते हैं आपके आपकी कि आप अपने एनवायरनमेंट को, जो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट, आप उसको अच्छे तरीके से स्कैन कर पाए, समझ पाए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या क्या थ्रेट्स आपके पास हैं,
है ना, ताकि आप उसके हिसाब से अपने डिसीजंस को ले पाए। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्किल्स, है ना। तो ऐसा एडवाइस, ऐसी ऐसी चीजें जिसके जरिए आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स में आ जाएगा। सो व्हेन एंटरप्रेन्योर्स टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट और मेंटर, पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री इवेंट्स एंड मीट न्यू पीपल हु हैव एक्सपर्टाइज एंड प्रायर एक्सपीरियंस, इट हेल्प्स देम टू डेवलप देयर बिजनेस स्किल्स, है ना। तो जब एंटरप्रेन्योर्स गाइडेंस लेते हैं किसी एक्सपर्ट से या मेंटर से, या पार्टिसिपेट करते हैं इंडस्ट्री इवेंट्स में, सपोज अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो तो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं है, बट उसके अगर इवेंट्स होते हैं, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे कैसे डायरेक्शन होता है, कैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, कैसे पैसे लगाते हैं, या कैसे यू नो सिनेमाटोग्राफर का काम होता है, या फिर जो भी डिफरेंट वर्क होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देयर आर वेरियस फील्ड्स व्हिच यू विल नो अबाउट व्हेनेवर यू विल डू दोस यू नो सेमिनार्स और इवेंट्स और व्हाटएवर, तो आपको काफी जानकारी वहाँ पे देखने को मिलती है। For example, if suppliers are complaining that they are not able to understand the directions given by the entrepreneur, business mentor or an expert may help him her improve their communication skill, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर supplier है वो complain कर रहा है कि भाई मुझे जो directions मिला है entrepreneur से वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा मुझसे क्या करने को कह रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि जो you know supplier है उसकी गलती है, क्योंकि वो तो भाई उसका काम है सप्लाई करना, वो तो काफी साल से सप्लाई कर रहा है। गलती हो सकता है आपकी, हो आप नए एंटरप्रेन्योर हो, आपको नहीं पता कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में जो आपका बिजनेस मेंटर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो आपकी हेल्प करेगा इन सब चीजों को करने में, है ना। चौथा पॉइंट है हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग नेटवर्क, है ना। तो इस तरह की हेल्प भी आपको मिलती है जहां पे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ जाएगा। सो मेंटर्स, एक्सपर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री इवेंट्स हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स हु हेल्प हिम और हर टू मेक द बिजनेस मोर सक्सेसफुल, है ना। उसी बात को बार बार बोला जा रहा है। आप एग्जाम में अगर ये पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चन अगर आता है, तो इन पॉइंट्स को आप याद रख लो, इन पॉइंट्स को वहां लिख देना है, और एक ही चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको लिखना है कि मेंटर एक्सपर्ट का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के व्यू पे। जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद बोला गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि मेंटर और एक्सपर्ट जो है आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। या ऊपर वाले पॉइंट में था इम्प्रूविंग स्किल, तो मेंटर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, इंडस्ट्री में अगर आप यू नो चीजों में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां से आपको नॉलेज होगा। तो इस तरीके से आप आंसर्स को लिख सकते हो। पॉइंट तकरीबन सभी में सेम ही होने वाला, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल है। अब जब नॉन फाइनेंशियल है तो बंदा आपको एडवाइस ही देगा और तो कुछ नहीं कर सकता। अब कई बार होता है कि एडवाइस कोई बंदा दे देता है, कई बार आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, कई बार आप कहीं जाते हो, कहीं इंडस्ट्रीज में यू नो जो इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप उनको अटेंड करते हो, तो वहां से भी आपको नॉलेज मिल जाती है, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। मैं चौथे नंबर पॉइंट को और रीड नहीं कर रहा, पांचवें नंबर पॉइंट पे चलते हैं, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस करना पड़ता है जो कि आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाते। सो इन दैट केस आपके जो को-फाउंडर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो मेंटर्स एंड को-फाउंडर्स कैन बी बून फॉर द न्यू वेंचर्स, देयर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। उनका एक्सपर्टीज और उनका एक्सपीरियंस जो होता है इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दे मे फैसिलिटेट इन डीलिंग विद द ट्रबल्स, वो आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डील करने में भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है हेल्प्स बिल्डिंग होना चाहिए, हेल्प्स बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इनोवेशन, ठीक है ना, बडिंग ही होगा एक्चुअली। तो यू नो इनोवेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप एंटरप्रेन्योर के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस बंदे ने किस चीज को नया स्टैब्लिश किया, ठीक है। जैसे मैं अभी हाल में फिटर की केस स्टडी पढ़ रहा था, तो फिटर में जो यू नो मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, संजय चौकसी और समथिंग उनका नाम है, तो उन्होंने अभी हाल में रील्स बनाना स्टार्ट किया, उसके पहले उनको कोई नहीं जानता था, राइट। फिटर का नाम आपने सुना होगा जो कि आपको फिट रहने में हेल्प करता है, राइट। तो ये एक तरीके से एक नया बिजनेस आइडिया था, लोग फिट रहना चाहते थे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते थे, लेकिन इसको मार्केट में लाना, इसको एक तरीके से मोनेटाइज करना, है ना, ये एंटरप्रेन्योर करता है, ये एक नई चीज है, पहले नहीं होती थी। तो इसको हम एक तरीके से इनोवेशन के बारे में बोल सकते हैं कि एक तरह का इनोवेटिव आइडिया है जिसका इस्तेमाल जो है उसने किया है और फिटर को इतनी बड़ी कंपनी बनाया है। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स में हैव हाई पोटेंशियल आइडियाज, बट दे आर नॉट एबल टू मोबिलाइज द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू डेवलप एंड रिफाइन देयर इनोवेशन, दे मे एंड अप इन फेलियर। अब जब उनके पास इस तरह की जानकारी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, लास्ट में फेलियर
हो जाते हैं। इन द इकोनॉमीज लाइक आर्स, हमारे जैसे इकोनॉमी में, वे आर लो इनकम मार्केट प्रोवाइड्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर बिजनेस, देर इज नो मच इन्वेंशन एंड इंटरवेंशन। तो हमारा जो मार्केट है ना, यहाँ पे लो कॉस्ट है, यहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री का जो मार्केट है, यहाँ पे इन्वेंशन और इंटरवेंशन दोनों ही बहुत कम है, जिसके कारण से ये बिजनेसेस जो है बहुत ही जल्दी ठप हो जाती है ना, क्योंकि ना ही इनोवेशन होता है, ना ही कोई चीज नई लाई जाती है, और अगर लाई भी जाती है तो उसमें नयापन नहीं होता। आपको अब हमेशा जो है बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप सेम तरह से काम करते रहोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, राइट। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एप्रीहेंसिव एंड स्केप्टिकल टू टेक रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस टारगेटिंग दीज मार्केट। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी उसमें जो है पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स मतलब कौन, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पैसे की जरूरत है आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उस केस में कौन हेल्प करेगा, आपका जो इन्वेस्टर होगा वो आपको पैसे देगा कि आप ये बिजनेस करो, मैं आपके परसेंट पूरे बिजनेस का 10%, 5%, 2% उसके बदले ले लूंगा, और उसके बदले मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर होना भी एक बड़ी बात है। सो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एप्रीहेंसिव एंड स्केप्टिकल हो गया, देयरफॉर नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकम एसेंशियल फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनोवेशन के केस में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज 7 नंबर पॉइंट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, सो द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड मेक देम अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री। ओके, सो द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि वो किस तरीके से मार्केट को ठीक एनालाइज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो चेंजेस को ला सकते हैं। जो भी नई मार्केट में ट्रेंड्स चल रही है, जिस चीज का डिमांड मार्केट में है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे या उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, तो उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, बहुत सारी जगहों से मिल सकती है, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल होता है, है ना। हम यही पढ़ रहे हैं ना, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर हम लोगों ने कर लिया। 8वां नंबर पॉइंट है, हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। सो मेंटर्स, को-फाउंडर्स, पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एक्सटेंड देयर गाइडेंस इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस, है ना। तो मेंटर्स, को-फाउंडर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन अगर आपका गलत हो जाए तो आपका बिजनेस जो है वो फेलियर हो सकता है। तो इसीलिए माफी चाहूंगा, मेंटर्स, को-फाउंडर्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इस मामले में आपकी हेल्प करते हैं, राइट, और स्ट्रेटजीज भी बनाने में हेल्प करते हैं। देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन द डाइवर्स फील्ड आर वेरी यूजफुल इन एनालाइजिंग द मार्केट एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर द बिजनेस। तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो एक्सपर्टीज होती है डाइवर्स फील्ड के बारे में, वो आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, आपका मार्केट क्या है और किस तरह की पॉलिसीज आपको बनानी है ना, जिसके बेसिस पे आपका बिजनेस जो है लॉन्ग रन में एक सक्सेसफुल बिजनेस हो पाएगा, इसमें आपकी हेल्प की जाती है। दीज नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एनेबल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड परपेचुअल सोशल इम्पैक्ट। परपेचुअल मतलब ऐसा इम्पैक्ट जो कि कॉन्टिन्यूस चलता रहे, ऐसा नहीं कि अभी मैंने कुछ किया और अगले दिन जो है बंद हो गया। आपने बहुत सारे सिंगर्स के बारे में सुना होगा, रानू सिंह या फिर कोई भी, तो आप जब सुनते हो तो होता है ना कि आपने एक बार सुना, दो बार सुना, कुछ टाइम बाद वो गायब हो गया, क्योंकि उनका जो सक्सेशन है वो परपेचुअल नहीं है, वो सोशल मीडिया पे डायरेक्टली कंप्लीटली एक्टिव नहीं है, है ना। तो परपेचुअल सोशल इम्पैक्ट होना या परपेचुअल चीजें होना बहुत जरूरी है बिजनेस को लॉन्ग रन में चलने के लिए, ठीक है ना। परपेचुअल का मतलब ही होता है लॉन्ग रन, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट नथिंग कम्स फॉर फ्री, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी चीज जो है फ्री नहीं होती। सो आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग दीज रिसोर्सेज इज वेरी ट्रिकी, तो इस तरह के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और यूज करना ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। देयरफॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल एक्सेसिंग दीज नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेक मच मोर सेंस, ठीक है ना। तो आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, है ना, वो बहुत जरूरी हो जाती है ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला सको, और उस केस में नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करता है, है ना। So this is the topic that we have discussed. इसके बाद और कुछ है नहीं, काफी important topic था ये, question आपसे जो है examination में पूछा जा सकता है,
एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही हो। अगर नहीं हो पा रही है आप नोट्स ले सकते हैं हमारे पास से, विच इज अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी एट माई नंबर विच इज 8101065300। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको फोन नंबर भी दिख जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।